गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है फ्राइडे और अभी पूजा हो गई है हमारी। आज सप्तमी भी है और अष्टमी, दोनों को आज हम साथ में ही मना रहे हैं क्योंकि कल नवमी है। आपको पता ही होगा, एक दिन कम हो गया इस बार नवरात्रों में। इसलिए चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं आपके साथ में, और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। आई होप आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बस अभी पूजा हो गई है और मैंने पोटैटो रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, क्योंकि हब्बी को आज हब्बी का फास्ट है ना अष्टमी का, तो उनके लिए बनाना है मुझे, इसलिए नहीं तो मैं तो इवनिंग में ही खाती हूँ एक ही बार। तो अभी अब्बी के लिए बना दूंगी और दिशान के लिए भी आलू पराठा बना दूंगी उसमें से, तो वो आलू पराठा खा लेगा। फिर उसके बाद देखते हैं, अगर शायद मैं कहीं बाहर जाऊं, आउटसाइड जाऊं, क्योंकि करवा चौथ भी आ रही है आप सबको पता है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। बाकी नवरात्रों की तो फुल है, सारा सामान है हमारे पास में अभी, कल जो पूजा के लिए चाहिए वो सब है। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। अभी आउटसाइड के लिए जा रहे हैं, देखते हैं हम मॉल जाएंगे, नेस्टो या फिर A&H। चलिए वहाँ चलते हैं साथ में। और दिशान आज अपनी सीट पे बैठे हैं बैक साइड जाके और हबी कर रहे हैं ड्राइव। चलिए चलते हैं। A&H में आ चुके हैं जो कि वॉलीवर डालारामी मॉल में है। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ियों का कलेक्शन मिलेगा, जैसे नॉर्थ साइड में पहना जाता है वो वाला। सो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारे कलर्स और साड़ियाँ, सूट गरारा जो भी हैं, सबके कितने प्यारे प्यारे कलर्स में कलेक्शन दिखाई दे रहा है। सो मैंने यहाँ पे ही देखा था पहले, मैं कई बार देख के आई हूँ, तो सोचा इस बार चलती हूँ वहीं पर देखती हूँ, एक सही प्राइस में सही चीज़ मिल जाए तो वहीं से लेना बेटर है। सो इसलिए इसमें गई हुई हूँ मैं। तो ये देखिए ऐसे ही कलर पहने जाते हैं पूजा वगैरह में, ब्लैक और ब्लू को अवॉइड किया जाता है ज़्यादातर, तो बस वैसा ही कलर ढूंढ रही हूँ मैं, कुछ दिख जाए मुझे अच्छा और प्राइस भी सही रेंज में मिल जाए तो अच्छी बात है। बस साड़ियाँ देख के हम लोग आ गए हैं घर के लिए वापस। साड़ियाँ उसमें देखी थी A&H में, और उसके बाद गई थी मैं नेस्टो, तो नेस्टो में भी देखी थी, बट नेस्टो में तो बिल्कुल भी अच्छा कलेक्शन नहीं था साड़ियों का। थोड़ा बहुत मुझे उसमें ही अच्छा लगा, एक दो साड़ी को चॉइस में रख के आई हूँ, एक दो मार्केट में और भी देखूँगी, ट्राई करूँगी, टाइम भी है करवा चौथ में, सो जहाँ अच्छा दिखेगा वहाँ से मैं ले लूँगी। सो बस घर जाके अब पूजा करनी है फटाफट से, तो पहुँचते हैं हम घर पे। भी घर पे आ गए हैं और पूजा का टाइम हो गया, दिन बिल्कुल छिप चुका है। बस जाएंगे अभी पूजा कर लेंगे अच्छे से, सब क्लीन अप हो गया, जो भी सामान लाई थी वो सब क्लीन कर दिया है, और दिशान के लिए जो टॉयज लाई थी वो भी दे दिया है उसे खेलने के लिए। बस मैं और अभी वेट कर रहे हैं जाके पूजा कर लेते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएगी, 6:15 बज चुके हैं अभी। पूजा करने के बाद ही कुछ फास्ट के लिए बनाऊंगी, आज हम दोनों का ही फास्ट है इसलिए। चलिए पूजा कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज है सैटरडे और नाइट में ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, अब मिल रही हूँ मैं आपसे, और आज हमारे यहाँ पे नवमी है तो उसके लिए बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। अभी ऑफिस चले गए हैं, आ जाएंगे ऑफिस से अभी थोड़ी देर में, तब हम लोग साथ में ही पूजा करेंगे। हलवा रेडी है, चना को बॉयल करके रखा है, इसमें सब्जी बनने रख रही हूँ, इसमें खीर बन रही है, तो बस ये जल्दी से कर लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी, बहुत लेट हो रही हूँ। अभी पूजा भी करनी है और माता की अठावरी बना के जैसे हमारे यहाँ होती है वैसे करनी है। चलिए अभी सब्जी बनने रख देती हूँ। सभी सब्जी बनाऊंगी, फिर उसके बाद चना को बस फ्राई कर लूंगी और पूरी बना लूंगी, बस अभी यही बनेगा खाने में।
और फिर हम भी आ जाएंगे तो पूजा भी करूंगी। तो ये देखिए भाई साहब बिजी हो रहे हैं, वो भी नहा के तैयार बैठा है कि पापा आएंगे तो जल्दी से पूजा कर लें हम, तो उन्हीं का वेट कर रहा है। अभी उसने अभी बस कोकोनट वाटर पिया है, वो भी बोल रहा है मिल्क नहीं चाहिए मम्मा, अभी आपने हलवा बनाया है पहले भगवान जी की पूजा करके मुझे हलवा देना। तो अभी उसको भी नहला दिया है, आराम से बैठे हुए हैं बाबूजी, बस मैं किचन में काम करके जल्दी से आके पूजा करके फिर हम लोग खाना खा लेंगे। सो बताइए आपके यहाँ नवमी कब मन रही है, आज या कल? तो चना हो गए हैं बनके तैयार। मैं उनको मैसर की हेल्प से मैश कर रही हूँ, क्योंकि ये मैश करने के बाद ही हलवे के साथ में अच्छे लगते हैं खाने में, इसलिए। सो इनको मैश कर लिया है, और ये देखिए चने हो गए हैं एकदम से रेडी। अब मैं रख दूँगी चने हटाने के बाद मैं यहाँ कढ़ाई गैस पे, और इसमें देसी घी ऐड कर देती हूँ। इसमें मैं पूड़ियाँ तलूँगी जो पूजा के लिए चाहिए मुझे, वो सारी। हलवा तैयार है। सो आटा अभी तैयार कर दिया था मैंने लगा के पहले ही, बस उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना लूँगी, और उसमें से छोटे छोटे लोइयाँ बना लेती हूँ पूड़ी बनाने के लिए। सो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ तलना शुरू कर दिया है, पूड़ियाँ बन रही हैं। जब तक अभी भी आ गए हैं ऑफिस से, तो बस अपने क्लोथ्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, फ्रेश अप करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग साथ में बैठ के पूजा करेंगे। सो बस ये पूड़ियाँ सारी मैं फ्राई करके ले जाऊँगी, जो जो पूजा के लिए चाहिए वो सब सामान। सो यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी है हमने, अठियावरी के साथ में आज पूजा होगी, और थापा भी रखा जाएगा, आज नवमी है इसलिए हमारे यहाँ थापा रख के पूजा होती है। सो बस वही कर रहे हैं, और हर साल तो मंदिर चले जाते थे हम लोग, जो ये प्रसाद होता है उसको सबको वहाँ पे जाके सर्व कर देते थे। वहाँ सब लोग एक दूसरे को ऐसे दे देते थे, सब खा लेते हैं मंदिर में प्रसाद नवदुर्गों में। मैंने यहाँ पे हर साल यही किया है, बट इस बार तो कोविड की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है कन्या पूजन के लिए, तो इतनी सारी मुझे पता ही नहीं है कहाँ कहाँ जाऊँ कन्या का पूजन के लिए। और इस बार तो सब भाई रिस्क कौन लेना चाहेगा ऐसे में, तो इसलिए सबसे अच्छा पक्षियों के लिए ही डाल दूंगी मैं 9 जगह निकाल के कन्याओं का। फ्रेंड्स अभी बस पूजा हो गई है हमारी, पूजा कर दी है और अभी आ गई हूँ किचन में, पूड़ियाँ बनाऊंगी खाने के लिए अभी दिशान और मेरे लिए। और जो प्रसाद था वो मैंने मेरे जो नेबर्स हैं उनके यहाँ पे और हब्बी के जो फ्रेंड्स हैं वो हब्बी को भेज दिया है देने के लिए। सो बस वो प्रसाद दे के आ जाएंगे, चना हलवा पूड़ी और नारियल का, इतना ही किया है मैंने प्रसाद में। नहीं तो मैं मंदिर जाती थी हर साल, तो वहाँ पे जाके रख देती थी, वहाँ मतलब सब ऐसे ही प्रसाद बांट देते थे अपना अपना, बट इस बार तो मंदिर ओपन नहीं है ना, तो फिर मैंने इधर ही भेज दिया ऑफिस में जो है अभी के साथ में उन लोगों के लिए। तो बस अभी पूड़ियाँ बना लेती हूँ फिर हम लोग खा लेंगे, अभी हमने खाया नहीं है कुछ भी, 1 बजने मतलब नहीं 12:30 बजने वाले हैं अभी। सो नवमी भी स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए मैंने थोड़ा लेट भी कर दी थी आज पूजा, क्योंकि नवमी 11-24 से स्टार्ट हो रही थी शायद, तो इसलिए अब नवमी शुरू हुई है कल तक के लिए। सो अष्टमी पूरा निकल गया है, इसलिए मैंने नवमी में की है पूजा। सो चलिए अभी पूड़ियाँ बना लेते हैं और आप भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने। तो खाना बन के हो गया है तैयार, पूड़ियाँ और ये राम भगवान जी के प्रसाद का नारियल और हलवा चना, और इसमें है सब्जी चना आलू की, और ये रही खीर, और ये रहा इसमें रायता। सो खाना है तैयार, आप भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने के लिए माता रानी के भोग में, आज मैंने यही सब बनाया है। सो चलिए हम भी खा लेते हैं, आप भी खा लीजिए हमारे साथ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। तो हमारे नवरात्रे कुछ ऐसे निकले हमारी माता रानी की कृपा से, सो सब पे माता रानी की कृपा बनी रहे, और कल है दशहरा, सो हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू। सो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगे। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय माता दी।